चलता हूँ भाभी। अच्छा यारा, खुश रहना, अपना ध्यान देना, बहू का ख्याल रखना, और तू हमारी फिक्र मत करना, मैं तेरी माँ को संभालूंगा बस। चंगा। ओए, माँ से नहीं मिलेगा? नहीं बाबूजी, माँ से नहीं मिलूंगा। क्यों? मैं उनके सामने गया और उनके आंखों में पानी आ गया, तो ये बांध जो मैंने बड़ी मुश्किल से बांधा है टूट जाएगा और सब कुछ बह जाएगा। फिर मैं जा नहीं सकूंगा और मेरा जाना बहुत जरूरी है बाबूजी, वरना मेरी माँ का सर शर्म से झुक जाएगा और ये तो कभी नहीं हो सकता। माँ ने वचन दिया वो जरूर पूरा होगा, माँ के वचन से मैं ज्यादा बड़ा नहीं हूं ना बाबूजी। शाबाश मेरे बच्चे, अरे तेरी ये कुर्बानी, शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। तू थे घबराए ना, लाहौर वाले बड़े दिल वाले होते हैं, दोस्त बनाने में देर थोड़ी ना लगती है। तुम देखना, एक महीने में ना अमृतसर याद रहेगा ना हम लोग। गुडमैन डी लाल्टन, बैडमैन दा दीवा, रोया करेंगे सानू याद करके। अपना ख्याल रखना इफ्ती, या तुम भी अपना ख्याल रखना। परवेज साहब जी, ये आपके पासपोर्ट्स और ये आपके सामान की रिसीट जो आपको लाहौर में दिखानी है। अच्छा 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 बहन, खुदा हाफिज। चंगा जी, चांदनी बेटा, जाते जाते मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप कर जा रही हूँ। मेरे बेटे और बहन का ख्याल रखना। अगर कोई शिकायत सुनी ना तो कान खींचने मुझे वापस आना पड़ेगा। पर क्या, ये क्या कह रहे हैं आप जी? पर बच्चे तो आपके साथ जा रहे हैं ना? जी नहीं, वही जाएंगे जो आए थे। बेगम, ये तुम क्या कह रही हो? आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया और हमें बताया तक नहीं। जी ये फैसला मेरा नहीं, मेरे दिल का है, और वो भी अभी अभी। चांदनी और शान हमारे साथ नहीं जाएंगे। मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाह रही हैं? आपके साथ नहीं जाएंगे तो बच्चे कब जाएंगे? जी मेरा मतलब है, मेरा शान अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही बेगम साहबा, शान की माँ तो आप हैं। जी हाँ, मैंने उसे पैदा जरूर किया है, लेकिन मैं उसकी माँ नहीं हूँ। वैसे भी सदियाँ गवाह है इस सरजमीन हिंदुस्तान की, जहाँ श्री कृष्ण को देवकी ने पैदा किया, पाला यशोदा ने, लेकिन माँ तो यशोदा ही कहलाई ना। शान की माँ तो अमृत है, और एक माँ से उसके बच्चे को अलग करना इतना बड़ा गुनाह कि जिंदगी भर की इबादत भी इस गुनाह को माफ नहीं कर सकेगी। और मैं इस गुनाह को अपने सर लेने के लिए तैयार नहीं हूं। हमारे साथ धोखा हुआ इमरान बेटे, हमारे सामने ईशान के मुसलमान माँ और बाप पेश करने का नाटक किया गया है ताकि हम अपनी चांदनी की शादी ईशान के साथ कर दें। ऐसा हरगिज नहीं होगा अबू जान, ये शादी शादी नहीं है। अगर हमारी चांदनी लाहौर नहीं गई ना तो वो हमारे साथ हमारे घर वापस जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस प्लेटफॉर्म पर लाशों के अंबार लग जाएंगे। कितनी लाशें गिराएंगे और किस किसकी लाशें गिराएंगे आप? आप जैसी सोच रखने वाले हिंदू और मुसलमानों की वजह से ही इस मुल्क के टुकड़े हुए हैं, हजारों साल पुराने रिश्तों के टुकड़े हुए हैं, कल्चर के, तहजीब के और जुबान के टुकड़े हुए हैं, और अब आप दिलों के भी टुकड़े करना चाहते हैं, बेटे को माँ से और माँ को बेटे से अलग करना चाहते हैं।
हाँ जी साहब, एक बात याद रखिएगा, जो इंसान मोहब्बत के खिलाफ जाता है ऊपर वाला उसके खिलाफ जाता है। हमें मजबूर मत कीजिए बेगम साहबा, हम चाहकर भी आप। मैं आपको मजबूर नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे इल्तजा कर रही हूँ, मेरे बच्चों की खुशियाँ मत छीनिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये क्या कर रही हैं आप, ये क्या कर रही हैं आप? ये हाथ किसी के सामने नहीं जोड़ेंगे, ये सर किसी के सामने नहीं झुकेगा। बेनजीर जी, मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आज एक माँ ने दूसरी माँ का दर्द पहचाना, सारी दुनिया के सामने उसकी शान बढ़ाई, मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। हाजी साहब, अगर आपकी यही जिद है कि ईशान और चांदनी लाहौर जाए, तो आपका हुक्म सर आंखों पर, वो जरूर जाएंगे। मेरी बेगम ने जो कुछ कहा वो सही है, मैं उनकी हर बात से इत्तफाक करता हूं। शान यही रहेगा। हाजी साहब, इमरान साहब, मान जाइए। जी हाजी साहब। आप लोगों ने तो मुझे मझधार में डाल दिया है। ये मझधार तो सदियों पुराना है हाजी साहब। जो दिमाग से सोचते हैं डूब जाते हैं, जो दिल का सहारा लेते हैं वो पार हो जाते हैं। आप भी दिल से सोचिए कि मोहब्बत से कोई भी चीज बड़ी नहीं। हाजी साहब, खुदा रा मान जाइए, बच्चों की खातिर मान जाइए इमरान साहब। जिस जमीन पर पैदा हुए हैं उस पर मरने की इजाजत दे दीजिए बड़े अब्बू, हमें बेवतन मत कीजिए, हमें बेवतन मत कीजिए। अम्मी, मेरा बच्चा शान, या अल्लाह, आज मुझे सब कुछ मिल गया है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शान बेटा, हमारी फिक्र मत करना, हमारे लिए यही काफी है, सरहद के पार ही सही मेरा भी एक चांद है जो चमक रहा है। तू जिंदा रहे, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज परवेज साहब। वक्त ने जो बीज बोया, दर्द का रंग जो इधर है वो उधर भी है, मोहब्बतों की महक जो उधर है वो इधर भी है। कहानियां पैदा वहां होती हैं, मगर सरहदों को तोड़कर दिलों को जोड़ने के लिए इधर आ जाती हैं। मोहब्बत की इस बेमिसाल कुर्बानी की गवाह रहेंगी सदियां।